नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरबी और भिंडी की सब्जी। एक यूनिक और बहुत ही अलग सब्जी, ये बहुत ही टेस्टी भी होती है खाने में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले भिंडी को धो के इस तरीके से काट लीजिए लंबा लंबा, और अरबी भी उसी तरीके से लंबा लंबा काट लीजिए। अरबी को पहले अच्छे से धो लीजिए, फिर काटिए और फिर एक बार और धो के छन्नी में रख दीजिए ताकि इसका पानी निकल जाए। अब इसके लिए तेल को गर्म कर लेते हैं और उसमें डाल देंगे हम अरबी जो हमने लंबी लंबी काट के रखी थी। अरबी जब अच्छे से फ्राई हो जाए, डीप फ्राई हो जाए, उसका कलर गोल्डन में आने लगे, उतना इनको तलना है, अच्छे से डीप फ्राई करना है। और ये तलने के बाद अच्छे से ये पक भी जाती हैं, तो आपको जब हम सब्जी को चौक लगाएंगे तो ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ये देखिए, अब ये देखिए, ये पक गई हैं। आपको देख रहा होगा कि देखिए किस तरीके से ये पकी हुई हैं उसमें। अब हम इनको निकाल के इसमें तल लेंगे। इसको पेपर में निकाल लिया है मैंने अरबी को, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। तेल गरम है, इसी तेल में हम डाल देते हैं भिंडी, और भिंडी को भी आपको अच्छे से डीप फ्राई करना है उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अरबी को किया है। भिंडी का थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होते ही भिंडी पक जाएगी और आपको लगेगा इस तरीके से। ये देखिए, अब भिंडी भी और अरबी हमने दोनों चीज़ें तल ली हैं। अब हम कर लेते हैं इसको चौकने के लिए तैयारी। इसके लिए जो तेल था मैंने उसी तेल में को यूज़ किया है, बस थोड़ा सा कम कर दिया है तेल। तेल में डाल दिया है जीरा और कटी हुई छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा होना चाहिए। आप जैसे वैसे भिंडी बनाते हैं तो अगर प्याज वाली भिंडी बना रहे हैं तो वैसे भी उसमें प्याज ज़्यादा होता है, इसमें भी थोड़ा प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। दोनों सब्ज़ियाँ मिला के आपकी अगर आधा किलो हैं तो करीब आप 250 ग्राम प्याज रखिएगा। अब इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं। देखिए इस तरीके से ज़्यादा ना पकाते हुए सिर्फ थोड़ा सा ही पकाएंगे, मतलब सिर्फ ट्रांसी करना है हमने, गोल्डन नहीं आना है कलर का, क्योंकि थोड़ा कच्चा रहेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर, वो भी बारीक कटे हुए। और टमाटर को पता ही आपको कि इसमें को पकाने के लिए हमें थोड़ा नमक डालना पड़ेगा, तो अब डाल दिया मैंने इसमें हल्दी, सूखे मसाले जितने भी हैं, धनिया, मिर्च, नमक, ताकि ये अच्छे से जो हमारे टमाटर हैं वो नमक डालने से अच्छे से पक जाएंगे, मैश हो जाएंगे। इसमें मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और टमाटर भी मैश हो जाएंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए और टमाटर भी इसे मैश हो गए हैं बिल्कुल। ज़्यादा इसको छोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ 2 मिनट के लिए भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम के लिए छोड़ेंगे टमाटर पक जाते हैं, मसाला भी मिक्स हो जाता है। और अब इसमें डाल दिया मैंने सब्ज़ी जो हमने तल के पहले से रखी थी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो पूरी सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। इसको मुश्किल से आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना है धीमी गैस पे। और ये है गरम मसाला, आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, आपके पास किचन किंग है, गरम मसाला है या ऑल इन वन है, कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी पकने के बाद ऊपर से मसाला डालिएगा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना वो सब्ज़ी पकने, जैसे 5 मिनट आपने पकने छोड़ दिया सब्ज़ी को, पक गई सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो गई, उसके बाद में आप ऊपर से मसाला डालिए और मसाला डालने के बाद उतार लीजिए। ये देखिए गरम गरम सब्जी तैयार है हमारी, बहुत ही टेस्टी लगती है।
सब्जी ये। अगर जैसे आप पराठे के साथ सिंगल खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी, दाल के साथ बनाइए कॉम्बिनेशन में तो भी बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। थैंक यू। राधे राधे।